नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज नमकीन पूड़ी बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। नमकीन पूड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 कप बेजड़ का आटा, इसे मिस्सी आटा भी बोलते हैं, और ये जो चने और गेहूं का मिक्स आटा मिल जाता है बाजार में आसानी से। बाजार में पूछ लो कि मिस्सी आटा कौन सा है, वो मिस्सी आटा दे देंगे। अब इसमें मसाले डालेंगे, 1 चम्मच ऑयल डाल देंगे, 1/2 चम्मच अजवाइन, हींग स्वाद अनुसार, 1/2 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्ची, 1/2 चम्मच सौंफ, 1/2 चम्मच गरम मसाला और पिंच हल्दी, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। अब पानी डालते हुए पूड़ी का आटा तैयार कर लेंगे। ये इस तरह से आटा लगा के तैयार कर लेंगे। इसमें 1 गिलास में इतना पानी लगा है, 1/2 गिलास से थोड़ा सा कम लगा है। अब इसे 10 मिनट भीगने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गया है, ये आटा भीग गया है। हल्का सा तेल लगा लेंगे इस तरह से, और इसे एक बार मसल लेंगे। अब इसकी हम पूड़ियां तैयार करेंगे। तेल लगा लेंगे हाथों में और लोया तैयार कर लेंगे। इस तरह से कर लेंगे, पूरी की साइज के बेल लेंगे। चकले पे तेल लगा लेंगे, इस तरह से बेल लेंगे। तेल गरम हो रहा है, तेल गरम हो गया अच्छे से, इसमें ये डाल देंगे पूड़ी। अब इसे इस तरह से करेंगे, इससे ये फूल जाएगी। इस तरह से घुमाते रहेंगे, देखिए फूल गई। अब इसे सेक लेंगे। जिस तरह से पूरी सेकते हैं उसी तरह से पूरी सेक लेंगे। ये पूड़ी हमारी सिक गई है, इसी तरह सभी पूड़ियां सेक लेंगे। ये हमारी नमकीन पूड़ी बनके तैयार हो गई है। ये 3 से 4 दिन तक खराब नहीं होती, इन्हें सफर में ले जाया जा सकता है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए, और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।